कि सरकार समाज के हर तबके को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही है। अब सरकार बुजुर्गों की देखभाल के लिए एक नई योजना ला रही है, जिसमें खास बात तो यह है कि इससे हमसे लोगों को कई रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। बुजुर्गों की देखभाल के लिए सरकार की नई योजना पीएम स्पेशल में 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। 1 लाख लोगों को दी जाएगी जरा चिकित्सा की ट्रेनिंग। केंद्र सरकार अब बुजुर्गों की देखभाल के लिए नई योजना शुरू करने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना का नाम पीएम स्पेशल होगा। इसके तहत बुजुर्गों को घर बैठे मेडिकल केयर की सेवाएं प्रदान की जाएगी। इस योजना से वृद्धावस्था में लोगों की देखभाल करने वाले पेशेवरों का व्यवस्थित विश्वसनीय सिस्टम बनेगा और साथ ही लागत भी कम होगी। बुजुर्गों को घर बैठे मेडिकल केयर की सेवाएं, 1 लाख लोगों को जरा चिकित्सा की ट्रेनिंग, रजिस्टर्ड और ट्रेंड जेरेटिक प्रोफेशनल्स की होगी लिस्ट। पीएम स्पेशल योजना के तहत सरकार बुजुर्गों को घर बैठे मेडिकल केयर की सेवाएं प्रदान करने का व्यवस्थित और विश्वसनीय सिस्टम बनाएगी। इसके लिए 1 लाख लोगों को जरा चिकित्सा की ट्रेनिंग दी जाएगी। एक पोर्टल बनेगा जिस पर सभी रजिस्टर्ड और ट्रेंड जेरियेटिक प्रोफेशनल्स की लिस्ट होगी। यहां लोग प्रोफेशनल्स की उपलब्धता देख सकेंगे और उन्हें हायर कर सकेंगे। ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, सभी रजिस्टर्ड और ट्रेंड जेरियेटिक प्रोफेशनल्स की बनेगी लिस्ट। इस योजना के प्रोसेस की बात करें तो सरकार की तरफ से एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा जिस पर सभी रजिस्टर्ड और ट्रेंड जेरियेटिक प्रोफेशनल्स की लिस्ट होगी। यह एक ई मार्केट प्लेस की तरह होगा। यहाँ लोग बुजुर्गों की देखभाल के लिए अपनी सुविधा अनुसार प्रोफेशनल्स की उपलब्धता देख सकेंगे और उन्हें हायर कर सकेंगे। 10,000 लोगों का मुफ्त में प्रशिक्षण, 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, बुजुर्गों की सही देखभाल का बनेगा एक सिस्टम। जेरियेटिक प्रोफेशनल बनने की ट्रेनिंग लेने के लिए ऐसा कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है जिसने 12वीं तक की पढ़ाई कर ली हो। सरकार इस दौरान एससी एसटी और अन्य पिछड़े समुदायों के कम से कम 10,000 लोगों को मुफ्त में प्रशिक्षित करेगी। इस योजना से कम 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि बुजुर्गों की सही से देखभाल का एक सिस्टम भी बन सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल डेस्क।